हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ISLM टॉपिक के रिलेटेड, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में पूछे गए हैं। हम उन सब पी बाई क्यूज को आज की पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शन, चाहे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के हो चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हो, आई होप आप लोगों ने वो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, सो दैट आपको सारे जो पी वाई क्यूज हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप लोगों को मिल जाए, उसकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाए। अब यहाँ पे अगर हम ISLM मॉडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो आज की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इन टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। अब 6 क्वेश्चंस में से अगर आप देखेंगे तो मेजरली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो अभी हम लोगों ने ISLM की क्लासेस पढ़ी थी पार्ट 1 टू पार्ट 4, वो अगर आप लोगों ने आराम से ढंग से पढ़ी है तो आपका वहां से ही क्वेश्चन निकल जाएगा ISLM का। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एक दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपका वहां से नहीं निकलते। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, और हमें जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं क्वेश्चंस पे, तो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में बैठने से पहले उनको प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 टू पार्ट 4 जितनी भी क्लासेस हैं वो देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हमारे किस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इन द ISLM फ्रेमवर्क द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम किस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे देखते हैं? हम IS कर्व में देखते हैं। आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ किस पे देखेंगे? हम IS कर्व में देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं वो क्या है? इन द ISLM फ्रेमवर्क, मतलब एक हमारी कर्व ये होगी IS की और LM की ये। इन द ISLM फ्रेमवर्क द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, लेट से अगर हम मॉनिटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो यहाँ पे LM कर्व, अगर मनी सप्लाई आप बढ़ाएंगे तो LM कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी IS कर्व स्टीप होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा इस मॉनिटरी पॉलिसी का, और अगर हमारी IS कर्व फ्लैटर हो जाएगी तो इस मॉनिटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा, कौन से केस में आपकी मॉनिटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। लाइकवाइज अगर हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे LM कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारी IS कर्व इस केस पे फ्लैटर हो जाए, ठीक है, तो फ्लैटर हो जाएगी तो हमारी, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है IS कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड। और अगर हमारी IS कर्व LM कर्व वैसे ही रहेगी, LM कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो, अगर हम हमारा जो IS कर्व है उसका स्लोप हम स्टीपर कर दे, और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फिस्कल पॉलिसी को यूज करें और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं तो क्या होगा? तो हमारी IS कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से किस केस में आपकी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 3 और पार्ट 4 देखा होगा वीडियो का, तो आप लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 के बेसिस पे ये क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पार्ट 4 में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए पार्ट 3 समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको समझ आएगा शिफ्ट इन द IS कर्व, शिफ्ट इन द LM कर्व। बेटर वे में आप तभी समझ पाओगे ये क्वेश्चन अगर आप पार्ट 3 पढ़कर जाओगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यूजिंग द ISLM मॉडल शो हाउ एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन, ये क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। व्हाई डज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ IS एंड LM कर्व कोइंसाइड विद द टू मार्केट। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल IS LM कर्व के बारे में बात की जा रही है,
प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जा रही है। 2010-2012 के अंदर आया है, आप जाकर खुद से लिखेंगे आप लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें अगर, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम आर डिटरमाइंड विद द इंटरेक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। अगेन डायरेक्ट आपसे ISLM क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ISLM नहीं पूछा, बट ये अगेन आपका ISLM के बारे में ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एजम्पशंस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट इन अ फिनिशियन मॉडल ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट। आपको पता है कि जब हम कीन्स मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम सेपरेट मनी मार्केट के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, फिनिशियन मॉडल है जहाँ पे हमारा गुड्स मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है जब हम कीन्स मॉडल के अंदर गुड्स एज वेल एज मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम नियो कीन्स के बारे में बात करते हैं, हम ISLM के बारे में बात करते हैं, हम हिक्स हैंसन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप किसके बारे में बात करेंगे, आप गुड्स मार्केट के बारे में बात करेंगे, आप मनी मार्केट के बारे में बात करेंगे, इन शॉर्ट आप ISLM के बारे में बात करेंगे। क्लियर? अब आई होप आपको चीजें समझ आई। अब वापिस से क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है जहां पे कंजप्शन फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। C इज इक्वल टू 250 प्लस 0.5 y माइनस d माइनस 500 r। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, दैट इज I इज इक्वल टू 250 माइनस 500 r। रियल मनी डिमांड फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, नॉमिनल मनी सप्लाई के बारे में दिया हुआ है, प्राइस लेवल के बारे में दिया हुआ है, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब की वैल्यूज दी हुई हैं। आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशंस फॉर IS एंड LM कर्व एंड सॉल्व फॉर Y एंड R। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बोला गया है। नंबर 2, फाइंड आउट द मल्टीप्लायर फॉर्मूला फॉर मनी सप्लाई चेंज एंड देन कैलकुलेट द चेंज इन आउटपुट इफ मनी सप्लाई चेंजेस बाय 510। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट ए, ये 7 मार्कर है, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज 8 मार्कर का पार्ट। तो सबसे पहले आप लोग जब भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस दिए जाते हैं, जिसमें से 2 पेजेस में आपका फर्स्ट पार्ट आना चाहिए और 2 पेजेस के ऊपर आपका सेकेंड पार्ट आना चाहिए, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है नियर अबाउट। तो यहाँ पे पहले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमें क्या डिराइव करना है, हमें IS एंड LM कर्व को डिराइव करना है, एंड देन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर वाई एंड आर, मतलब वाई और आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, IS कर्व को और LM कर्व को डिटरमिन करना है, इक्वेशंस निकालनी है फॉर IS एंड LM कर्व। यहाँ पे सबसे पहले हम IS कर्व को डिटरमिन करेंगे। अगर हम IS कर्व के बारे में बात करें तो आप लोग जहां पे भी बैठे हैं जोर से बोलकर बताइए, IS कर्व है क्या, IS कर्व हमें बताता क्या है। IS कर्व हमें वो कॉम्बिनेशंस बताता है इंटरेस्ट रेट और इनकम के, जहां पे क्या होता है, जहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब हम IS कर्व के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, IS कर्व गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, जहां पे हमारा क्या होगा, वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब जब हम गुड्स मार्केट के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, गुड्स मार्केट के करस्पॉन्डिंग हमारे दिमाग में आएगा एग्रीगेट डिमांड, क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड। अब आपको पता है कि जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और आपका जो आउटपुट लेवल है या जिसको हम इनकम लेवल बोलते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। और एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, दिस इज द वैल्यू फॉर एग्रीगेट डिमांड।
अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम, इट मींस वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, दिस इज द वैल्यू फॉर वाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन में एग्रीगेट डिमांड को रिप्लेस किया बाय वाई। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया है वैल्यूज देखिए, हमारे पास सी की वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ से एज इट इज सी की वैल्यू उठाऊंगी, अब आगे इक्वेशन में डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 250 प्लस 0.5 वाई माइनस टी माइनस 500 आर, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 250 माइनस 500 आर प्लस माइनस 500, सॉरी क्या वैल्यू थी, एक बार वापस देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी आई की 250 माइनस 500 आर, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इसी वैल्यू को डालेंगे प्लस 250, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वहीं से वैल्यू उठाकर वहां पे डाल रही हूँ, माइनस 500 आर। और हमारे पास अब क्या हमें चाहिए, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी मैंने 200 लिखा है, जस्ट 20, ठीक है, जब पेपर में 20 वैल्यू दी हुई है तो हम सेम वैल्यू के साथ चलेंगे, प्लस 20, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने एज इट इज वैल्यूज को उठाया और वहां से सब्स्टिट्यूट किया। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू, हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 250 प्लस 0.5, ठीक है, दिस इज वाई माइनस डी, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम, तो मैं इसको वाई डी लिख सकती हूँ या हम वाई की नोटेशन पे यूज कर सकते हैं, आप जैसा इसको करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं, सॉरी वाई, हम इसको वाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिस्पोजेबल इनकम की जगह टी की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, और हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी, जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 20, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे भी 20 लिख लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज जी इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, माइनस 0.5 इंटू टू दैट इज 10 माइनस 500 आर प्लस 250 माइनस 500 आर प्लस 20। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 250 250, ठीक है, 500 500 प्लस 20 520 माइनस 10 510, हम यहाँ पे लिखेंगे 510 माइनस हमारे पास 500 500 माइनस 1000 आर, और हमारे पास क्या है, प्लस 0.5 वाई, ठीक है, तो वाई की वैल्यू को हम एक साइड रख लेते हैं, वाई माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 510 माइनस 1000 आर, दिस इंप्लाइज हमारे पास 0.5 वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, 510 माइनस 1000 आर। तो ये अगर आप इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, आईएस कर्व गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें क्या देगी, इट इज द इक्वेशन फॉर आईएस कर्व, क्योंकि ये अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन हमारी रिलेट कर रही है विद द डेफिनेशन ऑफ आईएस कर्व। और हमने स्टार्ट कैसे करना है, हमने स्टार्ट किया एग्रीगेट डिमांड से, बाकी हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर। आप हम लोगों को क्या बोला उन्होंने, सॉल्व फॉर आईएस एंड सॉल्व फॉर एलएम कर्व, अगर मैं आपसे एलएम कर्व पूछूं तो एलएम कर्व में आप मुझे क्या बोलेंगे, एलएम कर्व में आप मुझे सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमें क्या देगा, एलएम कर्व गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्या होता है, व्हेन योर मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, जब हम लोगों ने पार्ट वन ऑफ द वीडियो देखा था तो पार्ट वन में मैंने आपको क्या बोला था, इक्विलिब्रियम में मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, सी नॉट प्लस सी वन बाई माइनस सी टू आर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लू है कि हमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है इनिशियल लेवल पे। अब हम यहाँ से वापिस से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे,
फाइंड द इक्वेशन फॉर IS एंड LM कर्व एंड सॉल्व फॉर Y एंड R। अब यहाँ से हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास मनी डिमांड या मनी सप्लाई की कोई वैल्यू दी हुई है या नहीं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक नॉमिनल मनी सप्लाई की वैल्यू दी हुई है। हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई, वी हैव द वैल्यू ऑफ प्राइस लेवल, वी हैव द वैल्यू ऑफ रियल मनी डिमांड फंक्शन। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें LM कर्व को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे रफ में वैल्यूज लिख देती हूँ, हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग भी जहां पे भी लिख रहे हैं कॉपी पेन लेकर लिखना ये क्वेश्चन। हमारे पास वैल्यू दी हुई है रियल मनी डिमांड की, दैट इज एल अपॉन पी इज इक्वल टू 0.5y-500R, और हमारे पास नॉमिनल मनी सप्लाई की वैल्यू दी हुई है, दैट इज एम इज इक्वल टू 7650 हमारे पास, और प्राइस लेवल दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा था आपको, आप लोगों ने देखा होगा, तो प्राइस हमारे पास 17 दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, मनी मार्केट के टाइम इक्विलिब्रियम में मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मनी डिमांड और मनी सप्लाई होता है LM कर्व में, वो कौन सा होता है, दैट इज रियल मनी डिमांड इज इक्वल टू रियल मनी सप्लाई। ठीक है, रियल मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या होता है, बराबर होता है। फॉर रियल मनी डिमांड हमारे पास क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। रियल मनी डिमांड के लिए हमारे पास दिस इज द इक्वेशन, दैट इज 0.5y-500R इज इक्वल टू रियल मनी सप्लाई। रियल मनी सप्लाई क्या होता है, जब हम नॉमिनल मनी सप्लाई को, दैट इज MS को एडजस्ट करेंगे किससे, प्राइस लेवल से, मतलब डिवाइड करेंगे प्राइस लेवल से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास रियल मनी सप्लाई आता है, दैट इज नॉमिनल मनी सप्लाई। इसकी वैल्यू क्या है, 7650 डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास ये क्या आएगा, इट कम्स टू बी 450। दिस इंप्लाइज 0.5y-500R इज इक्वल टू 450। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 900+1000R, आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो आप बोलेंगे दिस इज द वैल्यू फॉर LM कर्व। LM कर्व में बेसिकली जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या है, रियल मनी डिमांड और रियल मनी सप्लाई LM में बराबर होती है। तो यहाँ पे उन्होंने मनी डिमांड को तो रियल दिया, लेकिन एज फार एज मनी सप्लाई इज कंसर्न, तो नॉमिनल मनी सप्लाई थी। तो आपको इस पॉइंट पे फोकस रखना है, क्लियर। तो हमारे पास वापिस से क्वेश्चन पे आते हैं, हमने IS और LM की वैल्यूज निकाल दी, बट यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनर इज सेइंग कि कैलकुलेट करिए वैल्यूज ऑफ Y एंड R। तो Y और R की आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो Y और R की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, Y और R की वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे IS कर्व की इक्वेशन लिख देती हूँ और LM कर्व की इक्वेशन भी लिख देती हूँ। IS कर्व हमारे पास क्या आता, 1020-2000R, और LM कर्व कम्स टू बी हमारे पास क्या आया, Y इज इक्वल टू 900+1000R। तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो मैं इसको, इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज रखा, तो सेकेंड इक्वेशन को 2Y इज इक्वल टू 2918+2000R, तो यहाँ पे इस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3Y इज इक्वल टू 2820, Y कम्स टू बी इक्वल टू 3 1 3, 3 9 27, 3 4 10, Y कम्स टू बी इक्वल टू 940। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, आप प्रोसेस वही है। तो Y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 940। और यहाँ से जब हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें से किसी भी इक्वेशन पे y की वैल्यू डालेंगे, लेट हम इस पे डाल देते हैं इन सेकेंड,
वाई हमारे पास आया 940 इज इक्वल टू 900 प्लस 1000 आर, तो 40 इज इक्वल टू 1000 आर, दिस कम्स टू बी 4/100, मतलब 4/100 इज इक्वल टू 4% हमारा क्या आ गया, आर की वैल्यू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 4%। तो आपको समझ आया हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपको बी वाई और आर की वैल्यू निकालनी है, आईएस और एलएम की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे वापस से हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फाइंड आउट द मल्टीप्लायर फॉर्मूला फॉर मनी सप्लाई चेंज एंड देन कैलकुलेट द चेंज इन आउटपुट इफ मनी सप्लाई चेंजेस बाय 510। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें मल्टीप्लायर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो मल्टीप्लायर क्या है कि हम किस किस अमाउंट से मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मनी सप्लाई आपका इनकम कितने लेवल से इंक्रीज कर रही है, हमें यही बताना है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, बट यहाँ पे इन पर्टिकुलर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज एग्जामिनर आपको बोल रहे हैं कि अगर हम मनी सप्लाई को चेंज करेंगे बाय 510 से, तो हमें बताना है कि हमारा आउटपुट पे कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे मल्टीप्लायर को, हम यहाँ पे मल्टीप्लायर को मनी सप्लाई के बेसिस पे देखेंगे। तो मनी सप्लाई को हमें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एलएम कर्व चाहिए, हमें क्या चाहिए, एलएम कर्व चाहिए। तो वापिस से हम आईएस और एलएम की इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आईएस मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ। सबसे पहले अगर हम आईएस के बारे में बात करें, दैट इज वाई इज इक्वल टू 1020 माइनस 2000 आर, और एलएम हमारी क्या थी, एलएम इज y इज इक्वल टू 900 प्लस 1000 r, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी वैल्यूज थी किसकी, आईएस और एलएम कर्व की। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हमें मनी सप्लाई चाहिए, मनी सप्लाई के लिए फॉर अस रेलिवेंट कर्व कौन सी है, इट इज एलएम कर्व। क्लियर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। तो इन इक्विलिब्रियम आईएस और एलएम क्या होता है, बराबर होता है, और हमारा आईएस कर्व क्या था, आईएस कर्व इज वाई इज इक्वल टू माइनस 2000 आर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू सिंपल उसकी लिखी। तो यहाँ से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैं आपको बताऊंगी ये वाला स्टेप थोड़ा सा समझिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं ये चीज क्यों लिख रही हूँ। तो यहाँ से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 1020 माइनस वाई अपॉन 2000, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई। लाइफ वाइज मेरे पास एलएम कर्व की अगर मैं बात करूँ, तो एलएम कर्व मेरे पास क्या था, वाई इज इक्वल टू 900 प्लस 1000 आर, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ एलएम कर्व जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से एल एम कर्व में हमें क्या पता है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर होता है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड क्या था, बराबर था। ठीक है, हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, हमने मनी सप्लाई और मनी डिमांड को बराबर स्टार्ट किया था। अब हमने यहाँ पे अगर हम मनी सप्लाई और मनी डिमांड से स्टार्ट कर रहे थे, और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है इक्वेशन पे, एग्जामिनर इज आस्किंग अस अबाउट द मनी सप्लाई, तो यहाँ से एलएम कर्व से मैं पर्टिकुलरली मनी सप्लाई की इक्वेशन उठाऊंगी और मैं इसको सिंपल लिखूंगी 0.5 वाई माइनस 500 आर इज इक्वल टू माई मनी सप्लाई। तो मैं इस चीज को यूज कर रही हूँ, आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। ठीक है, वापिस एक बार देख लेते हैं क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 0.5y माइनस 500 आर इज योर मनी सप्लाई। ठीक है, तो यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 1/2y माइनस 500 आर इज इक्वल टू योर मनी सप्लाई, दिस कम्स टू बी 2 टाइम मनी सप्लाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1000 आर। तो यहाँ पे हमारे पास मनी सप्लाई की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था, फ्रॉम आईएस इक्वेशन हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक
ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, वाई माइनस 1000 आर माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, आप वापिस से देख सकते हैं, ये मैंने यहां से उठाकर सेम वैल्यू वहां लिखी। तो जब मैंने ये वैल्यू लिखी तो अगर हम सॉरी यहाँ इज इक्वल टू टू मनी सप्लाई, टू टाइम मनी सप्लाई, दिस कम्स टू बी इक्वल टू, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, आप ये खुद सिंप्लीफाई कर लेना, 3 टाइम इनकम हमारे पास आ जाएगा, 4 टाइम मनी सप्लाई प्लस 1020। ठीक है, मैंने आपको पूरा बाकी इक्वेशन सॉल्व कराई है, आप ये इक्वेशन खुद से सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लासेस में पेन और नोटबुक लेकर ही बैठिए। ठीक है, पे हम लोगों के पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 3 टाइम वाई इज इक्वल टू 4 टाइम मनी सप्लाई प्लस 1020। ये हमारे पास वैल्यू आई थी किसकी, मनी मल्टी सॉरी इक्वेशन की, जो फाइनल इक्वेशन आया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मनी मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है और मनी मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करना है, तो दिमाग में क्या रखना है, विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई फाइंड आउट करना है और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई क्या होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब, इस लॉजिक से हमें ये समझ आ रहा है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई। तो डेल्टा वाई, 3 टाइम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा मनी सप्लाई इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 1020 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो दैट कम्स टू बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एम एस इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। आप क्वेश्चन पे वापस चलिए, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था वहां पे एग्जामिनर क्या पूछ रहे थे, एग्जामिनर पूछ रहे थे हमसे फाइंड आउट द मल्टीप्लायर फॉर्मूला फॉर मनी सप्लाई चेंज। हमने निकाल दिया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एम एस इज इक्वल टू 4/3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मनी मल्टीप्लायर, एंड देन कैलकुलेट द चेंज इफ द मनी सप्लाई चेंजेस बाय 510। इसका मतलब, अगर मेरी मनी सप्लाई 510 से चेंज होती है तो मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 510 से चेंज हो रही है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बोला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा मनी सप्लाई इज इक्वल टू 4/3, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है, हमारे पास जो मॉडल पे मनी सप्लाई था, हमने एलएम कर्व से स्टार्ट किया था, दैट इज रियल मनी सप्लाई। ये क्या है आपके पास, रियल मनी सप्लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 510 की वैल्यू आपके पास आ रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉमिनल मनी सप्लाई। ठीक है, तो नॉमिनल मनी सप्लाई को आपको सबसे पहले किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको रियल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ क्वेश्चन के ऊपर मनी सप्लाई चेंजेस बाय 510 लिखा है, यहाँ पे नॉमिनल और रियल का तो मेंशन ही नहीं किया। अगर आपको उन्होंने रियल नहीं बोला हुआ है, इट मीन्स वो नॉमिनल के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर वो रियल के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल मनी सप्लाई है, दैट इज 510, इसका मतलब मुझे रियल मनी सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस से। हमारे पास क्वेश्चन पे प्राइस लेवल क्या था, 17, क्या था, 17। ठीक है, तो प्राइस लेवल हमारे पास क्या था, 17। तो मेरे पास 510 डिवाइडेड बाय 17 होगा, तो अगर मैं 17 को 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 510 आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा रियल मनी सप्लाई है उस पे कितना चेंज आया, दैट इंक्रीजेस बाय 30 रुपीज। तो डेल्टा एम एस क्या हो गया, 30। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस कम्स टू बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4/3 इंटू डेल्टा एम एस, लेकिन एम एस कौन सा लेंगे, हम रियल मनी सप्लाई लेंगे, दिस कम्स टू बी 4/3 इंटू 30, 4 टेंजा 40। तो रियल आपका जो आउटपुट है उसपे कितना चेंज आएगा, इट इज 40।
ठीक है, तो 40 यूनिट से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी इनकम जो है दैट इज राइट, दैट विल बी राइजिंग बाय 40 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ आया? तो यहाँ पे ये जो पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्लीज आप लोग जब भी पढ़ें इसको एक से दो बार रिवाइज करके जाइए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है इसी के साथ, हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आ रही है चीजें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को ज्वाइन करिए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द हाईएस्ट शेड्यूल विल बिकम स्टीपर इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स बट विल नॉट चेंज एट ऑल इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अ लमसम टैक्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों का किस पे, हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए अबाउट लामसम टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आप उसमें कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे वी हैव टू कीवर्ड्स, नंबर 1 इज द प्रोपोर्शनल टैक्स एंड नंबर 2 इज द लामसम टैक्स। तो सबसे पहले अगर हम प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वर्ड पे ही दिख रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। ये क्या है बेसिकली, अगर आपका प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में बात करें, ये एक वो सिस्टम है जहां पे एवरीवन पेज द सेम टैक्स रेट। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की टर्म में एवरीवन पेज द सेम टैक्स रेट। अब यहाँ पे आप इसमें जो बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज सेल्स टैक्स। अगर हम सेल्स टैक्स के बारे में बात करें तो आपको अगर सेल्स टैक्स 50% लग रहा है तो थ्रू आउट वो 50% ही रह रहा है सबके पास, सबके लिए। ठीक है, आप हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी इनकम क्या है, तो सेल्स टैक्स अगर आपका लेट से 10% सेल्स टैक्स है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आप सबके ऊपर, चाहे वो रिच क्लास के ऊपर बात हो रही है चाहे पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, सबके लिए 10% ही क्या होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। तो यहाँ पे एक फ्लैट टैक्स पे बात होती है बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दूसरा हमारा जो लामसम टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम परसेंटेज में बात नहीं करेंगे, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं। लेट से अगर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के बारे में बात की जाए, अगर आपके पास हर मंथ में आके म्यूनिसिपैलिटी लेट से 200 रुपीज चार्ज कर रही है तो 200 रुपए क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब आपके बारे आपके आपसे लमसम टैक्स के बारे में बात की जाएगी तो आपको क्या याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स हम किसके बारे में बात करेंगे, हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। अब वापिस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द स्लोप ऑफ द हाईएस्ट शेड्यूल विल बिकम स्टीपर इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स बट विल नॉट चेंज एट ऑल इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अ लमसम टैक्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम वाई इज इक्वल टू MX+C वाली इक्वेशन जो जनरलाइज फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, हम उसको यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन के ऊपर वाई वाई क्या है आपका, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, वाई इज नॉट योर इनकम इन दिस केस, वाई हमारा क्या होगा इस केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस जो वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे है दैट इज इनकम, MY+C इस इक्वेशन की फॉर्म में हमें लिख के देखना पड़ेगा कि क्या स्लोप में आपका प्रोपोर्शनल टैक्स आ रहा है या लमसम टैक्स आ रहा है, उस बेसिस पे हम ये चीज बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारी आईएस कर्व की है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे किसको, आईएस कर्व को। ठीक है, कि आईएस कर्व होता क्या है, क्लियर यहाँ तक।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हम जब आईएस कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम कौन से हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, हम एग्रीगेट डिमांड से स्टार्ट करते थे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मे बी आपको एग्जामिनर डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व करके भी पूछ सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पे वी नीड द वैल्यू ऑफ सी, वी नीड द वैल्यू ऑफ आई एंड जी। अब यहाँ पे पुराने क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या है, वहां पे हमें सी आई और जी की वैल्यूज दी हुई है, बट यहाँ पे हमें वो वैल्यूज नहीं दी हुई। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक फंक्शंस होते हैं, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, उनके बारे में उनका क्लू लेकर हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी, स्मॉल सी डिनोट योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई डी इज योर डिस्पोजेबल इनकम, या वाई माइनस डी आप बोल सकते हो। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस डी। ये सी बार क्या है जिसके ऊपर हम बार लगाएंगे, ये जो डैश लगा रहे हैं इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, और इसको हम लोग कंजप्शन के केस में क्या बोलेंगे, इट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। जहां पे भी बैठे हैं जोर से बोलिए, इट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। और स्मॉल सी इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसी तरीके से हम आई की वैल्यू को देखेंगे, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस ए आई। आई बार इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कर ही कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के ऊपर क्या है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इनकम लेवल क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। गवर्नमेंट हो सकता है लोन उठाकर कर रही है इन्वेस्टमेंट, या किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ए आई। अब यहाँ पे ए आई जो है हमारा, आई इज योर रियल इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो आई है हमारा ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, ठीक है, कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना आपकी जो सॉरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कितना वेरी कर रही है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा वेरी कर रही होगी, चेंज कर रही होगी, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव है। अगर वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही होगी तो हम बोलेंगे इट इज लेस सेंसिटिव। तो ए क्या है, ए शोज योर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे डालेंगे और हमें जी की वैल्यू चाहिए। वी आर रिज्यूमिंग कि हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज कॉन्स्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी बार प्लस सी स्मॉल लिख रही हूं मैं, वाई डी प्लस आई बार माइनस ए आई प्लस जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी, दिस इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई डी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू होती है वाई माइनस टी, प्लस आई बार माइनस ए आई प्लस जी बार, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने वो सारी वैल्यूज उठाई और यहाँ पे डाल, दिस कम्स टू बी इक्वल टू सी बार प्लस ब्रैकेट ओपन करिए सी वाई माइनस सी टी प्लस आई बार माइनस ए आई प्लस जी बार। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कौन सी इक्वेशन फॉर्म लानी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे होता है इनकम। एग्रीगेट डिमांड की हमें जरूरत नहीं है, और अभी हमने पुराने क्वेश्चन में भी क्या किया, ए डी इज इक्वल टू वाई। तो उस लॉजिक से मैं एग्रीगेट डिमांड की जगह वाई लिख लूं, ठीक है। तो सी बार और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यूज हैं उनको आप अलग कर लीजिए और कांस्टेंट वैल्यूज को इकट्ठे कर लो। तो कांस्टेंट क्या है मेरा, सी बार आई बार जी बार, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। मेरा यहाँ पे क्या बचा, प्लस सी वाई माइनस सी टी ये हो गया, और माइनस ए आई ये बचा। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वाई एक्सिस पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यूज है उसको राइट हैंड साइड लाऊंगी। दिस कम्स टू बी ए आई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार,
सी वाई माइनस सी टी माइनस वाई, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज को क्लब किया। एक्स के साथ मेरा एक्स यहाँ पे क्या है, मेरी इनकम, तो इनकम के साथ मुझे जो भी वैल्यूज है उसको सेपरेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को इकट्ठे करना है। तो यहाँ पे दिस कम्स टू बी सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। इनकम के साथ मेरी कौन कौन सी वैल्यूज है, ये और ये, तो ये मेरा क्या आने वाला है, सी माइनस वन वाई। तो मेरे पास सी माइनस वन वाई आया, मेरे पास कोई और वैल्यू थी जो मैंने छोड़ी है, एक बार चेक कर लीजिए। सी टी वाई, हाँ, इससे पहले एक स्टेप करेंगे, हमें क्या करना है, हमें प्रोपोर्शनल टैक्स और क्या करना है, हमें लमसम टैक्स को देखना है। तो यहाँ से हम इससे पहले क्या करेंगे, टैक्स को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो चीज देखनी है हम उसी पे स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इस टैक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास टैक्स में एक कंपोनेंट होता है आपका लमसम टैक्स टी बार, प्लस एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सी वाई माइनस सी टी, टी की जगह मैं कर रही हूँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, टी वाई माइनस वाई बार वाई सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दिस कम्स टू बी सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी बार माइनस सी टी वाई, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन में को इस फॉर्म में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आई है, वो ऑलरेडी मैंने दूसरी साइड ले लिया। वाई दैट इज इनकम, इनकम को, इनकम के साथ क्या क्या है, एक ये है और एक ये है और माइनस वाई था, ये भी था ना। तो यहां से अब हम इन वैल्यूज को इकट्ठे करके लिखेंगे, प्लस सी माइनस सी टी माइनस वन, ये मेरे पास वाई के साथ वैल्यूज आ गई, ठीक है। और मेरे पास बचा क्या, माइनस सी टी बार, ये कांस्टेंट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, और टी बार मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स। तो ये भी मैं इसको इस साइड लिखूंगी। तो सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से मैं बाकी इरेज कर देती हूँ, ठीक है, मैं बाकी सारा इरेज करके इसको ठीक है। आप लोग जब तक, अभी तक जब तक मैं इरेज कर रही हूँ, तब तक आप लोग अपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करके कोशिश करिए, आगे करने की सोचने की कोशिश करिए। और आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप इजिली मार्क्स फेच कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपके पास ये नहीं है कि अगर गलती हो रही है तो आप किसी और क्वेश्चन पे स्किप करेंगे, आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। आपको लॉन्ग भी करने हैं, आपको शॉर्ट भी करने हैं, आपको ओवरऑल 20 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 शॉर्ट होते हैं और सॉरी ओवरऑल 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट पार्ट्स डाल के आपके 20 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। तो आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए आई इज इक्वल टू सी माइनस सी टी माइनस वन वाई प्लस सी सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार, ये आया। और अगर आप इसको देखेंगे, हम यहाँ से ए को भी शिफ्ट कर देते हैं, सी माइनस सी टी माइनस वन वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार सी सॉरी ऑटोनॉमस कंजप्शन था ये, माइनस सी टी बार अपॉन ए। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें किसी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
यहाँ पे एक्स हमारा क्या है वाई, और वाई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वाई के साथ जो वैल्यूज है वो ये है। अगर आप इस वैल्यू में देखोगे तो यहाँ से ही आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी वापिस से। द स्लोप ऑफ द हाईएस्ट रेडियल, स्लोप क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका यहाँ पे स्लोप होता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि ये जो एम की वैल्यू है वो स्टीपर हो जाएगी इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स बट विल नॉट चेंज एट ऑल इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अ लमसम टैक्स। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारी जो स्लोप की वैल्यू है उसमें लमसम टैक्स की जो टी इज इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई, जो हमारा लमसम टैक्स है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ एम। स्लोप में तो वह वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब जो स्लोप है हाईएस्ट शेड्यूल का दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन योर लमसम टैक्स। ठीक है, तो पहले जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है वो तो एक्चुअल वेरीफाई हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, द स्लोप ऑफ द हाईएस्ट शेड्यूल विल बिकम स्टीपर इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ द प्रोपोर्शनल टैक्स। अगर गवर्नमेंट आपका प्रोपोर्शनल टैक्स का रेट रिड्यूस कर देती है, ठीक है, तो आपका अगर टी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मैं बाकी इरेज कर देती हूँ, तो टी अगर आपका रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछ रहे हैं कि उस समय जो आपका स्लोप ऑफ द हाईएस्ट शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टीपर। स्टीपर वैल्यू होने का मतलब क्या है कि स्लोप की वैल्यू जो है, ठीक है, टैन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। स्लोप स्टीपर होने का मतलब ही होता है आपका जो एंगल की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, स्लोप अगर आपका पहले ये था और अगर स्टीपर होगा तो आपका 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे स्लोप स्लोप किसी चीज का क्या होता है, टैन थीटा। और टैन जब भी इंक्रीज करता है, टैन की वैल्यू जब 90 डिग्री को अप्रोच कर रही होती है वो वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर हम बोलें गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी किसको, वैल्यू ऑफ टी दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, तो इस समय आपका जो सीटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सीटी की वैल्यू रिड्यूस होगी। जब आपकी सीटी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 1 माइनस सी माइनस सीटी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन निकाल लेती, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, तो यहाँ से सीटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब 1 में से मैं कोई चीज कम माइनस करूंगी तो ये होल वैल्यू मेरी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इस चीज को माइनस की फॉर्म में क्यों लाया। देखिए, उसका रीजन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो वैल्यू है हमारी दैट लाइज बिटवीन 0 टू 1। तो 1 में से अभी हम कोई कम चीज माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से समझ पाएंगे। तो सी टी ऑलरेडी, अगर आपका जो आपका सी है वो 0.2 है, 0.2 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0.2। और अगर मैं इस 0.2 के साथ मेरा जो मार्जिनल सॉरी जो मेरा प्रोपोर्शनल टैक्स है दैट इज टी, अगर उसकी वैल्यू कम करके लेट से मैं बोलती हूँ कि उसकी वैल्यू होगी 0.8, तो 0.8 होने की वजह से क्या होगा, मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू को अल्टीमेटली वो वैल्यू और कम हो जाएगी। और लेट से ये वैल्यू आती है 0.16, ठीक है, तो 0.16 इज लेस देन 0.2, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी रिड्यूस होगी। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि सॉरी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी क्योंकि 1 में से अब हम कम चीज माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसका मतलब स्लोप आपका बढ़ रहा है, और स्लोप तभी बढ़ता है जब हम स्टीपर आईएस कर्व की तरफ जाएंगे। स्टीपर आईएस कर्व की तरफ जाएंगे तभी हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर, समझ आया? ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। मैं ये वापिस से आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ जिसको नहीं आया। बेसिकली हमने क्या किया, हमने वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्टार्ट किया। हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा उसमें यही पूछा कि अगर जो आपका स्लोप है हाईएस्ट शेड्यूल का वो स्टीपर हो जाता है इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स,
बट विल नॉट चेंज एट ऑल इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ लमसम टैक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम बेसिकली देख रहे हैं कि स्लोप में प्रोपोर्शनल टैक्स का कंपोनेंट है या लमसम टैक्स का है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारी स्लोप में लमसम टैक्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और वहां से हमने ये आइडिया लगाया जब हमारा यहाँ पे लमसम टैक्स का कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो अगर हमारा लमसम टैक्स पे कोई चेंज आता है तो हमारी स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टीपर और फ्लैटर का कोई वहां पे क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, तो लमसम टैक्स आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। अब हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स पे आए हम। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हम प्रोपोर्शनल टैक्स को रिड्यूस करें, मतलब टी के वैल्यू को अगर हम रिड्यूस करें, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स को रिड्यूस करने की वजह से आप आईएस कर्व स्टीपर हो जाएगी। आईएस कर्व स्टीपर होने का मतलब क्या, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि मतलब वो वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी, और स्लोप जब भी हम किसी का देखते हैं तो हम टैन ऑफ दैट एंगल, लेट से ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो टैन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल होता है। और अगर आपका स्लोप 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, वो इंक्रीज वो ऑटोमेटिकली टैन ऑफ दैट एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो स्टीपर का मतलब क्या है कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यही मतलब है। तो इसका मतलब हमें ओवरऑल 1 माइनस, जो हमारे पास वैल्यू थी 1 माइनस C माइनस CT, ये देखना है। आप इससे भी देख सकते थे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारे पास जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, बिटवीन 0 टू 1 है, तो उस लॉजिक से हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे। आई होप मैंने आपको समझाया, अगर फिर भी कोई डाउट है फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द ISLM मॉडल शो हाउ एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन मे कॉज इक्विलिब्रियम आउटपुट टू रिमेन एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनर बोल रहे हैं कि अगर हमारा दिस इज योर आईएस कर्व, दिस इज योर एलएम कर्व, और लेट से दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर प्राइसेस विल फॉल। तो यहाँ से अगर हम प्राइसेस फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो इसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस पॉइंट की जगह यहाँ पे लेफ्टवर्ड होगा, कहीं पे भी हो सकता है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन होने क्या वाला है, एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन की वजह से पहले हम आईएस कर्व और फिर एलएम कर्व में देखेंगे इम्पैक्ट। जब डिफ्लेशन एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइसेस विल फॉल, और आईएस कर्व के लिए हम एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, तो प्राइसेस फॉल करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, तो आपका कंज्यूमर भी मार्केट में बैठा है, इन्वेस्टर भी बैठा है, तो कंज्यूमर सोचेगा कि मैं फ्यूचर में परचेज कर लूंगा, और इन्वेस्टर के दिमाग में सिग्नल आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज डिमांड विल फॉल इन द फ्यूचर, तभी प्राइसेस फॉल करेंगे, तभी डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। तो ये जो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो आईएस कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, आईएस कर्व हमारी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो हमारी आईएस कर्व शिफ्ट कर गई। अब व्हाट अबाउट योर एलएम कर्व, क्योंकि यहाँ पे हमारा किनीशियन फ्रेमवर्क होता तो हम सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट को देखते, लेकिन यहाँ पे हमें मनी मार्केट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वाई मनी मार्केट, बिकॉज हमारा आईएसएलएम वही पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है आईएसएलएम में, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जब भी मनी मार्केट के बारे में बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन, कंज्यूमर ने क्या किया, खर्चना कम कर दिया, उसको पता है मार्केट के अंदर प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए कल को प्राइसेस कम हो जाएंगे तो मैं कल जाकर खरीदूंगी, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिमांड कम होगी, और अब यहाँ पे क्या
होगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, पैसे को होल्ड करके स्टार्ट करेंगे रखना, ठीक है? तो यहाँ पे पैसा उनके हाथ में होगा, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर मनी, वो खर्च तो नहीं कर रहे, ठीक है? आप इसको क्या, आप इसको समझ सकते हैं, होल्डिंग करना स्टार्ट कर जाएंगे, लोग होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे पैसा। जैसे ही होल्डिंग होगी तो यहाँ पे हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे आपको एनकरेज नहीं कर सकता कि आप आकर बैंक में पैसा रखिए, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखने के लिए आपके लिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए तो सारे लोग जाकर बैंक में पैसा रखना स्टार्ट कर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे वो एनकरेज नहीं करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द ISLM मॉडल शो हाउ एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन मे कॉज इक्विलिब्रियम आउटपुट टू रिमेन एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पे एग्जामिनर हमें क्या बोल रहा है, एग्जामिनर हमें पूछ रहे हैं कि अगर आपकी ISLM कर्व ये है, लेट से आप यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग डिफ्लेशन, कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर प्राइसेस विल फॉल इन द इकोनॉमी, ठीक है? तो फ्यूचर के अंदर प्राइसेस का फॉल होना अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो इसकी वजह से होगा क्या, हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ की जगह कहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा। तो इसको समझने के लिए डिफ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आपका IS कर्व में आएगा वो चीज समझना इम्पोर्टेंट है, और क्या इम्पैक्ट हमारा LM कर्व में आएगा वो भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम IS कर्व के बारे में बात करेंगे। अगर हम IS कर्व के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग सब एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन समझ रहे हो, ठीक है? पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आने वाला है, फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगे, फॉल करेंगे। आपका कंज्यूमर भी यही सोच रहा है, आपका इन्वेस्टर भी यही सोच रहा है। जब आपका कंज्यूमर ये सोच रहा है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है फॉर IS कर्व, हमें एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड है, तो एग्रीगेट डिमांड C+I+G इस सब की वैल्यू क्या करेगी, इसकी वैल्यू फॉल कर जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब IS कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो मेरा जो ISLM में IS कर्व है वो फॉल कर जाएगा बैकवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हम अब LM कर्व को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपका प्राइसेस की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी प्राइसेस का एक्सपेक्ट किया जाएगा, प्राइसेस फॉल है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट ये लिख लेना, मे बी प्राइस राइज पे आपसे क्वेश्चन आ जाए, तो रियल इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है? लेट से मार्केट के अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, ठीक है? 10% चल रहा है, और अगर हम इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2% इन्फ्लेशन, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता, फॉल कर जाता, 8% पे हो जाता। लेकिन नाउ हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, डिफ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब नाउ रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट इज 10%, लेट से इन्फ्लेशन हमारा 2% है, माइनस माइनस 2%, वाई माइनस, बिकॉज इट इज डिफ्लेशन इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन, तो इट कम्स टू बी 12%। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, राइज करेगा। तो प्राइस फॉल करने की वजह से ये रियल इंटरेस्ट रेट क्या करता है, आपका रियल इंटरेस्ट रेट विल राइज। और आपको पता है रियल इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का कैसा रिलेशन है, इट इज इनवर्स रिलेशन,
जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी। विद दैट लॉजिक ऑल्सो आप बता सकते हैं कि हमारा आईएस कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड। क्लियर? अब आपको आईएस कर्व के बारे में बताना हो आप बता पाएंगे। नाउ एलएम कर्व, जब एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट के अंदर फ्यूचर में प्राइसेस विल फॉल, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो तो इस समय डिमांड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा होल्डिंग मनी। तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्रेफर टू होल्ड मनी, ठीक है। क्यों प्रेफर करेगा वो होल्ड मनी, उसको पता है कि अगर मैं स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का स्पेक्युलेटिव डिमांड करता हूं, मैं बॉन्ड्स पे पैसा लगाऊंगा या मैं बैंक के अंदर पैसा रखूंगा, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी रियल वैल्यू जो है वो फॉल करने वाली है, तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथ में पैसा रखेगा, वो होल्ड करके रखेगा इस सिनेरियो के अंदर, बिकॉज उसको पता है रियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल फॉल इन द फ्यूचर, क्योंकि अब डिफ्लेशन आने वाला है। तो अगर सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रल बैंक कंज्यूमर को ल्योर करने के लिए कि वो अपने पास पैसा छोड़, पैसे की जगह वो बैंक पे पैसा रखे, इफ सेंट्रल बैंक लोअर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लोअर कर देते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी हाई रहेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ठीक है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तब भी क्या रहने वाला है, हाई रहने वाला है। अगर डिफ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पीपल फिर से क्या करेंगे, पीपल स्टिल प्रेफर टू होल्ड मनी, जिसकी वजह से क्या होगा, एलएम कर्व जो आपका मनी मार्केट बता रहा है वहां पे शिफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो एलएम कर्व जो आपका मनी मार्केट बता रहा है वो वैसा ही रहेगा। हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते कि डिफ्लेशन, अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता कि डिफ्लेशन जो है वो 10 दिन के बाद खत्म होने वाला है लेट से, तो उस समय क्या होता, आपका एलएम कर्व में शिफ्ट आता। लेकिन यहाँ पे बिकॉज डिफ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है, पीपल स्टिल प्रेफर की मनी होल्ड करके ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एलएम कर्व में हमें शिफ्ट नहीं दिखेगा, हमें जो शिफ्ट है वो कहाँ पे दिखेगा, हमें सारा शिफ्ट आईएस कर्व में दिखेगा, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आएगा। क्लियर समझ आया? तो इंटरसेक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर? तो ये आपका एग्जामिनर ने आपसे पूछा, तो आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर आउटपुट फॉल कर रहा है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पे ये आ जाए कि अनइम्प्लॉयमेंट हाइयर होगी डिफ्लेशन के टाइम, वो भी आप यहाँ से बता पाएंगे, क्योंकि अगर आउटपुट प्रोडक्शन ही कम होगी तो लेबर जो है उसको, वो क्या होगा, उसको तो लोग निकालेंगे ना जॉब से, तो अनइम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली विल राइज इन द इकोनॉमी, तो आप लोग बोल पाएंगे ये चीज, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। जो मेजर पॉइंट था वो यही था कि रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? आई होप आपको समझ आया। फिर भी अगर कोई डाउट है आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस करिए। आज थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए बोरिंग रहा होगा, मैथमेटिकल क्लास थी, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।